दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मोटर पंप, और ये बैटरी से चलता है और 8 लीटर पर मिनट की स्पीड से ये पानी को प्रेशर से फेंकता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ से ये पानी की इनलेट है और यहाँ से पानी आउट होता है। और इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये 9 वोल्ट से 14.4 वोल्ट तक की बैटरी में सपोर्ट कर जाएगा, या तो फिर एडाप्टर से भी इसको हम चला सकते हैं। और 3 एम्पीयर पे ये चलेगी और इसका फ्लो है 4.5 लीटर पर मिनट और इसका प्रेशर है 110 PSI। मतलब ये कुछ यहाँ से इसकी नोज़ल है जो ये थोड़ी बड़ी है और यहाँ से इसकी जो आउटलेट है वो थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ से जो पानी आएगा उसको प्रेशर से यहाँ से फेंकेगा। ये पंप नॉर्मली जो बाइक धोते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, उनके यहाँ पे ऐसे पंप होते हैं क्योंकि उनको बाइक धोने के लिए प्रेशर से पानी डालना होता है, तो ये वो लोग ये यूज़ करते हैं। तो देखिए अभी इसमें मैंने ये बता देता हूँ आपको, ये UPS की बैटरी है 7 AH की। तो उसके साथ मैं इसको टेस्ट करके बताऊँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके कितने वोल्टेजेस हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 12.8 वोल्टेज के आसपास ये बैटरी है। तो ये अभी बैटरी चार्ज है, तो इसके ऊपर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको और कितने ऊपर तक ये पानी को खींच के जाता है इसका डिस्टेंस भी हम देखेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर रख के, मेरी हाइट के ऊपर रख के आपको इसका फ्लो कितने हाइट तक जाता है वो मैं आपको बता। तो दोस्तों अभी मैंने ये बैटरी के साथ ये पंप कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पे इनलेट में एक बाल्टी के साथ ये छोटी सी पाइप लगा के रखी है और आउटलेट में ये बड़ी पाइप लगा के रखी है जो अभी तो वॉशिंग मशीन में जा रही है। इसको मैं आपको अलग तरीके से ऊपर डिस्टेंस में, ऊपर कितना डिस्टेंस करता है कवर, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं इसको पॉजिटिव में कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो अभी ये वॉशिंग मशीन में पानी आ रहा है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी वॉशिंग मशीन तक ये ऊपर लेके जा रहा है। तो इसका आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको चालू रख के आपको बता देता हूँ। अभी ये मैं इसको पकड़ के खड़ा हूँ जो मेरी हाइट के आसपास है। ये मतलब मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो 5.5 फुट है, तो इतना डिस्टेंस तो ये कवर कर रहा है। मैं इसको थोड़ा, अगर मेरा हाथ है वो थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखते हैं कि ये उतना डिस्टेंस कवर कर पाती है कि नहीं। तो मैं अभी थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। तो मैं थोड़ा जैसे ही इसको ऊपर लेके गया तो ये मोटर जो है वो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करने लगी, पर ये पानी का फ्लो आ रहा है जो आप देख पा रहे हो। तो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, मेरे हिसाब से 7 फीट के आसपास का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है। तो मेरे हिसाब से और 2-3 फीट और कवर कर सकता है, तो 10 फुट के अराउंड ये मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो आप भी इसको लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं इसको निकाल देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से इसने 7 फीट का डिस्टेंस कवर किया है। तो आप इसको, अगर छोटा डिस्टेंस है आपका, आप 10 से 15 फीट का डिस्टेंस है कोई आपकी वहाँ पे और आप ये मोटर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो ये मोटर अर्थ कंपनी की है और इसकी ये मैंने अमेज़ोन पे से ख़रीदा था, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक पे से जा सकते हो, अमेज़ोन पे से आप ख़रीद सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।